मसूदा विधानसभा क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों को विजयनगर से मुक्त कर मसूदा में रखने की मांग को लेकर मसूदा क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यथावत रखने की मांग की है। मसूदा विधानसभा की तहसील विजयनगर नवीन कार्यालय जिला कलेक्टर के अधीन नहीं रखकर अजमेर जिला कलेक्टर के अधीन रखने की मांग को लेकर आज मसूदा क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को विधायक राकेश पारिख के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। अभी 5 तारीख को आदेश निकला राज्य सरकार से कि विजयनगर तहसील के गांवों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के लिए केकड़ी में अधिकृत किया है। तो हमारे 2 इशू आज थे जो हमने ज्ञापन दिया सीएम के नाम कलेक्टर साहब को, और उनसे अनुरोध भी करा कि वो अपनी सख्त टिप्पणी करके राज्य सरकार को भेजे, नहीं तो हमारी जनता काबू में आने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो मेन इशू जो सब लोग आए हैं कि इनका जीवाणा जो सर्कल है उसमें 4 पंचायत हमारी आती है। वो सर्कल पहले किसी ज़माने में मसूदा तहसील में था, अब उसको मिला दिया विजयनगर तहसील में। अब विजयनगर तहसील का जब कार्य क्षेत्र एडीएम प्रशासन का केकड़ी होता है तो शिवपुरा घाटा से 10 किलोमीटर वो ब्यावर है और शिवपुरा घाटा से 50 किलोमीटर अजमेर है और शिवपुरा घाटा से केकड़ी 100 किलोमीटर है, 125-25 किलोमीटर आती है। तो आज आप जिला बनाओ कुछ भी बनाओ उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ की जो जनता है इलाके के लोग हैं वो लोगों को राहत देने के लिए तो ज़िले बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ज़िले बनाना या ऐसे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लगाने से फ़ायदा क्या है? तो मैंने ज्ञापन में दिया है कि इससे मेरी कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा, जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। विरोधी पार्टी के लोगों ने आज मसूदा इलाके में कांग्रेस के शासन में मैंने 4.25 साल में वो विकास किए, उनके पास कोई बोलने का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे मुद्दे रास्ते चलते ही हमारी सरकार से अगर देंगे तो मसूदा विधानसभा में भी जब चारों तरफ आग लगेगी तो वहाँ भी लगेगी। तो हमने आग्रह किया है और ये जो खड़े हैं मेरे साथ सरपंच साहब हैं, जेडी साहब हैं, वहाँ के काठात समाज के पूरे मेहराज समाज के अध्यक्ष हैं, डांग के सारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हमारे साथ आए हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि एक तो जीवाणा जो गिरदावर सर्कल है इसको आप मसूदा तहसील में मिलाएं, मसूदा तहसील में मिलने से इनको राहत मिलेगी। दूसरा, विजयनगर जो है उसको केकड़ी में न मिला के अभी अतिरिक्त कार्यालय के अंदर अजमेर में रखा जाए। अजमेर से विजयनगर की दूरी 60 किलोमीटर, केकड़ी की दूरी 75 किलोमीटर। अजमेर आने के लिए हर 15 मिनट में गाड़ी मिलती है, केकड़ी जाने के लिए हर 3 घंटे में एक छोटा डिब्बा गाड़ी जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने आग्रह किया है कि आप मुख्यमंत्री जी को हमारी भावना से अवगत कराएँ, जिससे ये जो भला करना चाह रहे लोगों का वो अनर्थ नहीं। ये मसूदा जो तहसील है, मसूदा उपखंड है, उसके बासिंदे और रावत मेरा समाज के जो नुमाइंदे हैं, बहुत सारे सरपंच साहिबान हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, ये लोग आए हैं। और हमारी जो मांग है ये है कि एडीएम कार्यालय जो केकड़ी को नया गठित किया गया है उसमें विजयनगर तहसील को पूरा मिला दिया गया है, जबकि विजयनगर तहसील के अंतर्गत 4-5 पंचायतें ऐसी है जो ब्यावर से एडजॉइनिंग है। ब्यावर से उनकी दूरी मात्र 10-15 किलोमीटर है, जिसमें खासकर शिवपुरा घाटा, जीवाणा, दौलतपुरा सेकेंड और ऊतमी, ये पुराने मेरवाड़ा यानी मगरा क्षेत्र से का अभिन्न हिस्सा ये पंचायतें हैं। इनको केकड़ी में मिलाना यानी 150 किलोमीटर दूर जाना। तो जो आम आदमी, गरीब, गुरबा, विधवा, महिलाएँ, ये अपने छोटे छोटे काम के लिए वहाँ जाएगी। और चूंकि अभी जिलों का निर्माण हुआ है, केकड़ी को भी जिला बनाया गया है, ब्यावर को भी जिला बनाया गया है, तो ऐसे में एडीएम कार्यालय यदि अभी इनका बदल करके केकड़ी कर दिया जाता है तो जिला भी केकड़ी होगा। ऐसी स्थिति में ये जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं इनकी बहुत बुरी दशा होगी। इसलिए हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग की गई है कि विजयनगर तहसील की जो 4 पंचायतें हैं, जीवाणा सर्किल जो गिरदावर सर्किल है उसको एडीएम कार्यालय फिलहाल अजमेर में ही रखा जाए और मसूदा तहसील में इनको शामिल किया जाए। मसूदा तहसील में शामिल होने के बाद जब
ब्यावर जिला बनेगा तो अपने आप ही वो ब्यावर जिले में सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि एडीएम कार्यालय में पहले मसूदा तहसील को भी रखा गया था, लेकिन विधायक महोदय के हस्तक्षेप से मसूदा को तो निकाल दिया लेकिन विजयनगर को रख दिया। तो आज एमएलए साहब भी हमारे साथ हैं, सारे जनप्रतिनिधि है, सब ने एक स्वर में ये मांग करी है कि हमारी गिरदावर सर्किल जो जीवाणा है उसको एडीएम कार्यालय केकड़ी में सम्मिलित नहीं किया जाए, बल्कि अभी जो अजमेर एडीएम कार्यालय वहीं रखा जाए, और जब ब्यावर एडीएम कार्यालय खुल जाए या ब्यावर जिला बन जाता है, उसका परिसीमन हो जाता है, गठन हो जाता है, तो ब्यावर में उसको सम्मिलित किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग रही है।